निकाली हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ये एक दो चीजें मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि थोड़ी सी हैवी हैं, इधर काफी धोने का सामान आ गया, तो बस ये खाली करके पूरा नीचे के ड्रॉर सब खाली कर दिए मैंने, आप देख सकते हैं इधर पूरा बाजार लगा हुआ है और इतनी सारी मतलब चीजें हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मैं कैसे शॉर्ट आउट करूंगी कि मुझे क्या तो रखना है क्या ही निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं इधर। ये पूरा क्लीन कर दिया था और ये सारा सामान ना इस अलमारी का है, तो ये सारे मैंने अच्छे से पोंछ के गीले कपड़े से साफ कर दिया, और क्योंकि इसको मैंने पहले साफ कर दिया ताकि एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें रख दूं एक बार, और फिर इसको बंद कर देंगे और फिर मैं पूरी सफाई कर लूंगी, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये ऐसे बंद हो जाता है, ये पूरा बंद हो जाता है तो इसके अंदर कचरा नहीं जाएगा, और फिर मैं पूरी ऊपर से नीचे क्लीनिंग कर लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सामान है, छोटे मोटे सामान को रखने की बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। तो बस स्टार्ट करते हैं हमारी सफाई। क्लीनिंग तो मैंने काफी बार आपके साथ शेयर की है अपने किचन की, बट आपने काफी बार देखा होगा कि मैंने मेरे पास ना काफी अलग अलग तरीके के डब्बे थे अभी सामान बिखरा हुआ है तो छोड़िए, बट काफी अलग अलग तरीके के डब्बे थे, तो रिसेंट में अब मैं क्या करने लगी हूँ ना, थोड़े थोड़े करके मैं इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे कल मैं ये 5 लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट वाले जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको दिखाया था, उससे पहले मैं 4 इस तरीके के लेके आई थी, इनपे कुछ बटरफ्लाई टाइप बनी हुई है, और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये मैं नेशनल हैंडलूम से लाई थी, ये 20 का एक था तो 100 के मुझे 5 पड़े, तो 2 मैंने देखे यहाँ पे हैं, इनमें मैंने मसाले डाल रखे हैं, कुछ इलायची और इधर काली मिर्च, और 3 मैं ये वाले लेकर आई थी, ये मैं शायद डीमार्ट से लाई थी, और ये वाले भी मेरे पास हैं, ये मैं शायद डीमार्ट से ही लाई थी, ये वाले 89 के कुछ 4 ऐसे कुछ पड़े थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, धीरे धीरे करके मैं इकट्ठा कर रही हूँ। हाँ, एक वैरायटी ये वाली भी है, इस तरीके का ढक्कन है इसका, तो ये भी मेरे पास आई थिंक अब भी 6 या 8 हो गए हैं। तो देखिए, एक में मैंने यहाँ पे लेमन पिकल डाल रखा है, इसमें मैंने अपने ओट्स डाल रखे थे, तो उसमें मैंने दिखाया था आपको जो मैंने वेट लॉस वाला वीडियो शूट किया था। तो कहने का मतलब ये कि अब मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ ना, एक साथ नहीं ला रही हूँ, एक साथ लाएंगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा, बट धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने जितने भी कंटेनर हैं उनको मैं चेंज कर सकूं, तो क्योंकि वो काफी मतलब एक तो पुराने थे, प्लास्टिक मटेरियल में थे, और इधर का मैंने कुछ सेट किया है इस तरीके से,
और ये वाले दो बटरफ्लाई वाले ही हैं, एक में मैंने अपनी ग्रीन टी रखी है, एक में टूटी फ्रूटी रखी है। तो इस तरीके से मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके मतलब चेंज कर रही हूँ, एक साथ तो नहीं ला पाती हूँ क्योंकि बहुत एक तो कॉस्टली हो जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है ये, आई थिंक 5 मुझे 375 या कुछ इस तरीके से पड़े थे, बट फिर भी एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके लाओ ना आप तो अच्छा आपको सामान मिल जाता है, और इतना वो भी नहीं लगता आपको बजट में भी कि हाँ भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे बट पूरा चेंज करेंगे। तो फटाफट से चलिए इनको भी मैं फिल कर लेती हूँ, मुझे अभी देखना है इनमें मैं क्या क्या फिल करती हूँ, तो आपको बाद में मिलती हूँ मैं। किचन जो है वो सेट हो गया, आप देख सकते हैं मतलब प्लेटफॉर्म तो वापस वैसा का वैसा फैल गया, लेकिन अंदर का सामान मैंने पूरा सेट कर दिया था। अब जैसे जैसे यूज करते हैं वापस फैला देते हैं, वो एक अलग चीज है, डेली जचाओ डेली फैला दो। देखिए कुछ इस तरीके से नए डब्बे यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ अभी साइड में रखे हैं उनको मैं बाद में यूज करूंगी। तो या यही तक था मेरा किचन का सफाई का एंड नए डब्बे डालने का टूर। तो बने रहें फूड फाइट के साथ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।